नमस्कार बच्चों, मैं अनीता तिवारी, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरेरा कॉलोनी से व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको राजनीति विज्ञान के कक्षा 11वीं का दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे के बारे में पढ़ाऊंगी। संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान से शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? संविधान कैसे बनाया गया और संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, उनका वो एक समूह है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है और संविधान में सरकार की शक्तियां, जनता के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस संविधान में शामिल हैं। तो संविधान के बारे में एक बार और हम देख लेते हैं कि एक लिखित दस्तावेज है और लिखित दस्तावेज होने के कारण ही ये एक बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। चूंकि ये एक लिखित दस्तावेज है, इसीलिए एक ही जीवंत और लिखित जीवंत दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सारी चीजों का समावेश होता है। सरकार की क्या शक्तियां हैं, जनता के मौलिक क्या अधिकार है, कर्तव्य है, कौन सी हमारे देश के जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है और आपातकालीन शक्तियों को शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न ये आता है सामने हमारे कि संविधान समाज को क्या देता है। तो संविधान समाज को क्या देता है? तो तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। अतः संविधान का पहला काम ये मानते हैं कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है जो समाज के सदस्यों में विश्वास पैदा करे। जैसे मान लीजिए आप सब लोग एक समूह के सदस्य हैं। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत अलग है, धर्म अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, व्यवसाय, शौक, योग्यताएं, पसंद, सब कुछ अलग अलग है और उनके बीच में एक विवाद भी होता है। क्योंकि समूह के सदस्य हैं तो विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि सबके विचार एक दूसरे से अलग है। अब जैसे किसको कितनी संपत्ति रखनी है, समूह की सुरक्षा में कितना खर्च होगा, अगर ये प्रश्न उठे तो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग राय देगा। और परंतु इतना होने के बाद भी भिन्नताएं हैं, परंतु उन्हें साथ में तो रहना ही है क्योंकि सभी को एक दूसरे की जरूरत है। परंतु यदि कोई बुनियादी नियम नहीं है जिन पर वे सहमत हैं, तो सभी अपनी मर्जी के मालिक होंगे, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ सदस्य अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करेंगे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना है और किसका किस चीज पर अधिकार है, किसको कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी है। इसलिए कुछ घोषित नियम होते हैं। हर समाज के, हर समूह के अपने कुछ घोषित नियम होते हैं। जैसे समूह और समाज के घोषित नियम होते हैं, वैसे देश के और राज्य के घोषित नियम होते हैं। और ये माना जाता है कि ये सारे सदस्यों को वो नियम पता है, क्योंकि आपस में एक विचारधारा बनी रहेगी, बनी रहनी जरूरी है। घोषित होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इनका पालन भी होना चाहिए, ताकि नागरिकों में यह विश्वास बना रहे कि इनका पालन करना अनिवार्य है। और ऐसा ना करने पर उन्हें दंड भी दिया जाएगा। तो इसलिए संविधान का पहला काम क्या हो गया कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह दे जो समाज के सदस्यों में विश्वास पैदा कर सके। ठीक है,
इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा काम संविधान का यह है कि वह यह निश्चित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसकी होगी, और जो निर्णय लेगा माने सरकार निर्णय लेती है, तो उसका निर्माण कैसे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है बच्चों, दूसरा काम यह निश्चित करता है ना, यह निश्चित करता है। तो समाज में जैसे कुछ बुनियादी नियमों का समूह है हमारा संविधान, और जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। तो कानून कौन बनाएगा? जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक है तो जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, जो संसद और विधानसभा में जाकर कानून बनाते हैं। हम जिन लोगों को चुनते हैं वो पीएम को चुनते हैं, वो अपना पूरा मंत्रिमंडल बनाते हैं, और इस तरीके से संसद तैयार होती है। तो ये लोग निर्णय लेते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि कितने सदस्य निर्मित होंगे, किस क्षेत्र के कौन से सदस्य होंगे, मंत्री कितने होंगे, कौन कौन मंत्री बनेगा, मंत्री की शपथ क्या होगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे करेंगे, मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, मंत्री कार्य क्या करेंगे। तो सारा वर्णन हमें कहाँ मिलता है? संविधान में मिलता है। तो क्या संविधान कोई भी नियम बना सकती है? संविधान के अंतर्गत सरकार आती है, तो क्या सरकार कोई कानून नियम बना सकती है, सही या गलत? नहीं, सरकार कोई भी गलत या सही गलत नियम नहीं बना सकती। तो क्या करे? तो संविधान ने सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगा दी। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया और आपको लगा कि वो पूरी तरह अनुचित है, जैसे आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया जाए, या कहा जाए आप कोई खास रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, किसी को खास रंग के कपड़े पहनने खास रंग के वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की अनुमति दी जाए, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर ले, तो ये सारे कानून पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण होंगे। तो यद्यपि ये सारे कानून सरकार ने बनाए हैं, परंतु यदि ये अन्यायपूर्ण है तो इन पर सरकार ने कुछ सीमाएं बना दी हैं। इस तरह से हमने देखा कि सरकार का तीसरा काम, संविधान का तीसरा काम सरकार की शक्तियों में सीमाएं लगाना है, और ये सीमाएं इतनी मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका खुद उल्लंघन नहीं कर सकती। तो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दे दिए जाएं, जिनका सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे किसी भी नागरिक को बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार करने के समय उसको बताया जाएगा, उसको अपने सफाई का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि, और ये इन अधिकारों को केवल आपातकाल में ही सीमित किया जा सकता है। तो संविधान का चौथा काम यह है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करे और न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करे, जिसके लिए आवश्यकताओं को पूरा करे, न्यायपूर्ण समाज बनाए, इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो बच्चों जैसे दक्षिण अफ्रीका संविधान में सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जैसे नक्सली भेदभाव को खत्म किया जाए, पर्यावरण को संरक्षण दिया जाए, सभी को पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान करें, इसी तरीके किया जाए,
इसी तरह इंडोनेशिया के संविधान में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इसके अलावा सरकार गरीब व अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको कि संविधान में शामिल किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारी बातों का समावेश हमारे भारतीय संविधान में पहले से ही शामिल है, ताकि समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिल सके, जिसके आधार पर वो आत्मसम्मान से जीवन जी सके। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान अपने देश और समाज को एक नैतिक पहचान देता है। इसके पहले हम ये पढ़ेंगे कि संविधान समाज को एक बुनियादी पहचान देता है। इसके द्वारा ही किसी समाज को एक सामूहिक इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए हमें कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि जैसे हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन लोग। ये जो सामूहिक इकाई के रूप में जब हमारा समाज जाना जाता है, तो उस समाज की ये बात बहुत जरूरी सी हो जाती है कि शासन कैसे होगा और उसमें शासित करने वाले लोग कौन कौन होंगे। तो संविधान लागू होने से पहले हमारी बहुत सी अलग अलग पहचानें थी, हमें बहुत अलग अलग तरीकों से लोग जानते थे, लेकिन कुछ नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हमने अपनी एक राजनीतिक पहचान बना ली। इसका संवैधानिक नियम दूसरा संवैधानिक नियम यह है, हमें एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देश में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कई धर्मों के लोग हैं, और सबके अपने अलग अलग नियम हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो ये भावना हमें कहाँ से आई? संविधान से। तो संविधान हमारे अधिकारों में बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस तरह संविधान समाज व देश को एक नैतिक पहचान देता है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं, जैसे राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों और नियमों पर चलेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं, तो हम उसी दस्तावेज की बात करते हैं जिसके बारे में हम संविधान कहते हैं जिसे। लेकिन इंग्लैंड के पास कोई लिखित संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, परंतु उसके पास निर्णय और पारंपरिक संवैधानिक दस्तावेजों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। तो किसी संविधान का केवल लिखित होना ही जरूरी नहीं होता है बच्चों, बल्कि उसका प्रभावी होना भी जरूरी है। तो अब ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये अस्तित्व में कैसे आया, इसे किसने बनाया, इसे बनाने की शक्ति किसके पास थी। तो विश्व के सफल संविधानों में भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान ऐसे संविधान हैं जो लंबे आंदोलनों के बाद बने। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान को एक औपचारिक संविधान सभा द्वारा
1946 से और दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच बनाया गया। किसने बनाया? औपचारिक संविधान सभा द्वारा बनाया गया 1946 दिसंबर और 1949 नवंबर के बीच। और ये ऐसे लोगों ने बनाया जिन पर समाज के सभी वर्गों का अटूट विश्वास था। ये सारे लोग बहुत योग्यता वाले थे, विद्वान थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि। ये सारे लोग कानून के ज्ञाता थे। बड़ी बारीकी से उन्होंने संविधान के हर अनुच्छेद का वर्णन किया, दांव पेचों को समझते हुए उसको बनाया। इसलिए कई बार संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो चलिए, ये वो लोग थे, ये समझते हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। संविधान निर्माताओं ने को समझने में, संविधान निर्माता लोगों को समझाने में ये सब में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की शक्तियों को बढ़ावा देता है। भारत का संविधान बनाने के लिए किसी जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ देशों में पड़ती है संविधान बनाने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता, परंतु भारत में नहीं पड़ी, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया वे बहुमत लोकप्रिय नेता थे, इसलिए जनमत संग्रह नहीं हुआ। भारत का संविधान एक कठोर और लचीला संविधान है। कठोर इसलिए क्योंकि इसमें कुछ बाध्यकारी मूल्य और नियम है। लचीला इसलिए क्योंकि ये देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन इसमें आसानी से कर लिया जाता है। तो संविधान कैसे बना के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि औपचारिक रूप से हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। बच्चों, यहाँ पे प्रत्यक्ष लिखा है, ये अप्रत्यक्ष विधि से संविधान की सभा सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार हुआ और इसकी बैठक 1946 में हुई। अब बात ये आती है कि संविधान तो बन गया, कैसे बना ये? कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार ये बना, ठीक है? किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। कब बनाया? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान की सभा के सदस्य चुने गए, ठीक है? और इसका जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया। संविधान बन गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि संस्थाओं का कार्य विभाजन किस तरीके से किया गया। ये वे संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार काम करती है। सरकार के अंगों के रूप में इन्हें जाना जाता है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और कई स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग
आदि। तो ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इसलिए अलग अलग है, व्यवस्थापिका विधायिका को भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसलिए किया गया ताकि शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। शक्तियों के केंद्रीकरण को विभाजित करने के लिए सरकार के अंगों को विभिन्न भागों में बांट दिया गया। यदि कोई संस्था अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य करे तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे केंद्र सरकार कोई असंवैधानिक कानून बनाती है तो उसे चुनौती दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को महत्व देता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप क्या है। जो सदस्य पाकिस्तान क्षेत्रों से चुने गए थे वे अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ये पॉइंट नोट करेंगे, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे बनाने में संविधान निर्माताओं ने बड़े धैर्य और समझदारी का परिचय दिया, क्योंकि विभाजन के समय बच्चों आपको मालूम ही है कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, बेहद दुखी थी, दुख से भरी हुई थी, क्योंकि इतनी त्रासदी हो चुकी थी, इतने लोग देश छोड़कर जा चुके थे, इतने उन लोगों के साथ अभी जिस तरह से ये कोरोना का फैला हुआ और अपन देख रहे हैं कि मजदूर विस्थापित हो रहे हैं, खाने पीने को नहीं है, उनको भूख लग रही है, धूप है और भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। तो इसी तरह का इससे कई गुना ज्यादा जो दृश्य था वो उस समय था जब देश का विभाजन हुआ। तो संविधान को स्वरूप देते हुए, संविधान तो बनाना था तो उसको स्वरूप देते हुए इन सारे नेताओं ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और एक नई अवधारणा पेश करी और वह थी नागरिकता की, जिसमें अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि उनके अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संविधान सभा में सभी वर्गों, धर्मों, जातियों और राजनीतिक दलों को शामिल किया गया। अब ये सारे लोग बन गए, इन सारे लोगों ने संविधान बना दिया। अब ये निश्चित हुआ कि संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी होनी चाहिए। तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि पूरे देश के हित को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि संविधान सभा की सत्ता केवल इसी बात पर नहीं टिकी थी कि वह सबका प्रतिनिधित्व कर रही है, बल्कि ये भी था कि वे सभी सदस्य केवल अपनी अपनी पहचान या समुदाय का हित ही ध्यान में ना रखें बल्कि पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर कार्य करें। यद्यपि योजनाएं बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों में अनेक वैचारिक मतभेद थे, जैसे भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत हो या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच संबंध कैसे हों, न्यायपालिका की शक्तियां क्या होंगी। तो इन सारे विषयों पर गहराई से विचार किया गया और ये यहाँ तक ही नहीं, हर जो नेता थे एक दूसरे के प्रति बहुत विरोधाभास लिए हुए थे। केवल वोट लेने का अधिकार ऐसा था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया, जिसे हम आज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, और वही आज देश का
देश की बहुत बड़ी बुनियाद है। तो अब संविधान की कार्यविधि कैसी थी, हम ये पढ़ेंगे कि संविधान की कार्यविधि कैसी थी। तो विभिन्न विषयों के लिए कुल 8 कमेटियां बनाई गई थी। पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल, ये लोग ही अक्सर कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। परंतु डॉक्टर अंबेडकर राजरूप समिति के अध्यक्ष बने, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। तो ये थोड़ा हमारे समझने की बात है कि 8 कमेटियां बनी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। जनरली परीक्षा में यही प्रश्न आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर पूरे संविधान सभा में चर्चा की गई और यह कोशिश की गई कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। तो फैसले कैसे हुए, आम राय से लिए गए और सबके हित को ध्यान में रखकर लिए गए। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ये बात नोट करिएगा बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है कि संविधान निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो इतने मतभेदों के बाद भी संविधान बना, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या ऐसा कारण होगा? इसके पीछे केवल यही कारण था कि कुछ मूल सिद्धांत ऐसे थे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से इन लोगों के बीच में थे और ये मूल सिद्धांत पर सब एक जैसी ही सहमति लिए हुए थे। जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसे होगी, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना होगा, किन किन असमानताओं को हम दूर करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सारांश हमें नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में मिलता है, जिसका सारांश प्रस्तावना में रखा गया है। आज हमारे संविधान के प्रस्तावना में इसको रखा गया। तो बच्चों, अब आप कहेंगे कि जब सबने बना ही लिया संविधान, सबने मिलके बना लिया, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान की? तो संविधान की आवश्यकता देश की शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, तालमेल बढ़ाने के लिए आवश्यक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सरकार समूह संगठन आदि के कार्य बताने के लिए संविधान की आवश्यकता है, देश का विकास करने के लिए आवश्यकता है, इसके अलावा सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता है। तो संविधान की आवश्यकता पर एक बार हम और गौर करेंगे कि देश की शासन व्यवस्था बनाए रखता है, तालमेल ही आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, तालमेल बढ़ाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार समूह संगठन आदि के कार्य बताने के लिए, देश का विकास करने के लिए और सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग से रोकने के लिए। और इसीलिए ये बात भी सामने आती है कि जब संविधान की आवश्यकता है तो ठीक है, हम प्रस्तावना को क्यों इतना महत्व देते हैं? प्रस्तावना को बच्चों इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि यह संविधान की विशेषता बताता है। प्रस्तावना ही पढ़ के हम जान जाएंगे कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें पढ़ी कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान हमारे समाज को क्या देता है, इसकी शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, संविधान कैसे बनाया गया और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्न हैं वो आप लोग अच्छे से देखिएगा, और यदि कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप अपने संबंधित विषय के टीचर से पूछ सकते हैं।